फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नमस्कार। मैं शंकर, फाइटर नेशनल प्रमोटर लीडर्स। आज गरुड़ा गोल्ड सॉइल स्पोर्ट की डिटेल जानकारी हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो पुराने ज़माने में हमारे परदादा जी हो, दादा जी हो, पुरानी जो थे ना, वो पूरी ऑर्गेनिक खेती किया करते थे। तो उस टाइम ना एक दाना भी केमिकल का खेती के अंतर्गत नहीं रहता था। परंतु आज की डेट में हम जो देख पा रहे हैं, ज़्यादातर एक केमिकल खेती के अंदर यूज किया जा रहा है। और दूसरे केमिकल आया कहाँ से? तो 1960 में जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेगुलेशन नाम से भी आप जानते हैं, उस समय एक बढ़ती हुई आबादी की समस्या थी। और भारत के पीएम उस समय हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय दोस्त हरित क्रांति का आरंभ हुआ था कि बढ़ती हुई आबादी थी, और सभी की जो बढ़ती हुई आबादी के होने से क्या हो रहा था, भुखमरी की समस्या भी बढ़ गई थी। इस टाइम जो हरित क्रांति का स्टार्टअप हुआ था, और हरित क्रांति स्वामी एकनाथन जी जिन्होंने हरित क्रांति के स्टार्ट किया था, तो उस समय एक जो केमिकल एनपीके फर्टिलाइज़र आई थी, तो उस समय एक हेक्टर के लिए जो मात्रा था, जो एक एकड़ के लिए था, नाइट्रोजन का प्रमाण रखा गया था 4 kg। और नाइट्रोजन का प्रमाण 4 kg था, फास्फोरस का प्रमाण 2 kg था, और पोटाश का प्रमाण था 1 kg। अगर 4, 2, 1, 6, 7 kg एक हेक्टर के लिए था। और तो जिसी तरह से आबादी बढ़ती रही और केमिकल का आरंभ और बढ़ता गया, परंतु आज हम देखते हैं कि एक एकड़ खेती में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 30 kg यूरिया DP का समावेश हो रहा है, NPK का समावेश हो रहा है, या 40 kg का। कई बार हम देखते हैं बागायती खेती के अंतर्गत 50 kg 60 kg DP यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो खेती की pH लेवल जो उपयुक्त स्थिति थी ना, वो पूरी तरह से स्ट्रांग बन चुकी है और खेती एक अच्छी फसल नहीं दे पा रही है। तो आज की डेट में हमें सर्वोत्तम करना क्या पड़ेगा, और आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? ज़्यादा खर्च हो रहा है और कम फसल आ रही है, खेती में नमी ज़्यादा नहीं रह पा रही है, खेती में pH मेंटेन नहीं रह पा रहा है, खेती एक फसलदायक फसल आने की स्थिति में नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ, कोई महिला है जो गर्भवती है, और गर्भवती महिला अगर किसी बच्चे को जन्म देंगी तो जाहिर सी बात है वो बच्चा भी बीमारी स्थिति से पैदा हो सकता है। बट वो गर्भवती महिला ने अपनी बीमारी पूरी दूर की, तो हो सकता है वो आने वाला बच्चा भी सही ढंग से सही स्थिति में जन्म ले सकता। उसी तरह से हमें सर्वोत्तम खेती का क्या करना है फ्रेंड्स, खेती उपजाऊ लायक बनाना है। खेती को उपजाऊ लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वोत्तम दोस्त जो फाइटोडिम का गरुड़ा गोल्ड सॉइल आप देख रहे हैं, उसका यूजेस आपको करने की ज़रूरत है। अभी गरुड़ा गोल्ड सॉइल कार्य क्या करता है, इसके अंदर घटक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में समुद्री शैवाल है, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे पूरा नेचुरल 100% ऑर्गेनिक, केमिकल मुक्त, फ्री है। साथ ही साथ इसके अंदर दोस्त होमिक एसिड है, एमिनो एसिड है, एंजाइम्स है, फुलिक एसिड है, और कई सारे ऐसे घटक है जो खेती के अंदर जो किसान का फ्रेंड केचुआ होता है उनके उन्नतिदायक जीवाणु तत्व इसके अंदर है, जिससे वो अपनी प्रगति बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये फलदायक फसल को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेसल डोज शुरुआती डोज ड्रेसिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सेब, आम, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला आदि में, पेड़ लगाने में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, नारियल, सुपारी, आम आदि में, सब्जियों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, मटर की है, बैंगन की है, प्याज की है। आप यहाँ पे देख पाएंगे बैंगन की है, प्याज की हो सकती है, गोभी हो, मूँगफली हो आदि में आप इसका समावेश कर सकते हैं। और जब भी फसल होती है, गन्ने की फसल हो या एनी अदर फसल को भी आप इसका यूजेस कर सकते हैं। अब इसका यूजेस करने की स्थिति को हमें जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसका यूजेस करें। लबिस इस गरुड़ा गोल एंट्रीजेशन के अगर फायदे की मैं बात करूँ, तो ये रोपाई के बाद आप फसल को विकास देता है। जैसे मैं आप शुरुआत में रोपाई लगाने से पहले इसको खेती में छिड़काव करते थे, ये कार्य क्या करता है, ज़्यादातर जो फसल को है ना वो विकास करता है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति में अपनी फसल की प्रोटेक करता है, जड़ों को मजबूत, जड़ों को विकसित करता है, पौधों में रोगों को, बीमारियों को, वायरस से लड़ने के लिए भी ये लाभदायक तरीके से दोस्त आपकी खेती के अंदर कार्य करता है। जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधों में रोगों में समस्या लाता नहीं है, कि बल्कि उनको प्रोटेक्ट रखता है, उत्पाद को बढ़ाने के लिए लाभदायक है, उत्पाद की उत्पाद क्वालिटी बढ़ाता है, और फसल को हरी भरी रखने में भी बहुत बेस्ट तरीके से दोस्त कार्य करता है। ये हमारा फाइटोडोमिका
आपकी उपजाऊ खेती बनाने के लिए बेस्ट तरीके से कार्य करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 केजी की क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है, आईएसओ से प्रमाणित है। आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। प्रति एक हेक्टर के लिए आप इसको 14 या 20 केजी जरूर यूज करें। और ये अगर दो बकेट आप एक हेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें लगभग ये 20 केजी और 10 केजी इसमें गोबर खाद, सूखा गोबर खाद का यूज करें। और साथ ही साथ अगर आपके पास आप पहले ही आपके खेती की जो मिट्टी है उसमें और 5-10 केजी ऐड कीजिए, यानी आपका प्रमाण हो गया 40 केजी। और आप इसका छिड़काव करें, खेती में नमी नहीं हो तो नमी जरूर दें, और नमी है तो भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका उपयोग इस तरीके से है, बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फसल को और बेस्ट रखना तो इसके साथ आप बैक्टीरियल फंगिसाइड यूज करें जो फफूंदी नाशक है। शुरुआती दौर में अगर आप इसको यूज करें, जो भी आप फसल लगा रहे हैं, तो फफूंदी बुरसी नाशक से बच पाएंगे। इसके लिए फाइटोनिपास है फंगिसाइड। साथ ही साथ इसके साथ आप यूज करें मैजिक ड्रॉप। ये 100 ml मैजिक ड्रॉप आप एक एकड़ के लिए जरूर बेहतर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि ये बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकता है। ऐसे अगर आप स्प्रे के लिए यूज करेंगे तो 5 ml 15 लीटर पानी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बेस्ट तरीके से आप इसके यूजेस करें और शानदार रिजल्ट प्राप्त करें। आधी डिटेल जानकारी आप हमें जरूर संपर्क करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।